राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में आयोजित विज्ञान कार्यशाला के तीसरे दिन 120 निजी स्कूलों के अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन बाल विज्ञान सम्मेलन को और साकार बनाने के लिए किया गया है। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने कहा कि वर्तमान में विज्ञान अति महत्वपूर्ण है, हमें आगे बढ़ने के लिए विज्ञान की नई तकनीकों को अपनाना होगा। प्रदेश सरकार बच्चों के विज्ञान की पढ़ाई एवं विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने विज्ञान अध्यापकों को हमीरपुर के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रतियोगिता में 2017 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। आज भी विद्यार्थी विज्ञान विषय को कठिन विषय मानते हैं, इसके लिए अध्यापकों को चाहिए कि वे विज्ञान को दैनिक जीवन में जोड़कर पढ़ाएं। अगर हम दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ढंग से दिनचर्या के काम करें तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। वर्तमान युग की सबसे बड़ी चुनौती स्वच्छ जलवायु की है। हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, पृथ्वी कूड़ादान बनती जा रही है। हमीरपुर का चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से रिलेटेड 3 दिवसीय ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले 3 दिन से लगभग 500 टीचरों ने इसमें भाग लिया। बाल विज्ञान सम्मेलनों का आयोजन वर्ष 2018 के लिए किस प्रकार किया जा सके और किस प्रकार हमने करना है, इसके ऊपर टीचर्स को टिप्स दिए जा रहे हैं और बाल विज्ञान सम्मेलनों की महत्व को समझते हुए स्कूल स्तर पर इस कार्यक्रम को कैसे सार्थक बनाएं, ये हमने अध्यापकों से इसके बारे में चर्चा की। आज का जो हमारा और खासकर जो स्टेट लेवल का जो मुख्य थीम था वो था साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। तो एक बहुत बढ़िया ये फोकल थीम था जिसमें हमारा जो परिवेश है सारा का सारा इसमें कवर होता है। स्कूल स्तर पर इको क्लब के द्वारा जो हमारे स्कूल ग्रीन कार्यक्रम हैं वो चले हुए हैं, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे हेल्थ के जो कार्यक्रम हैं वो चले हुए हैं। तो इस थीम को बच्चे बड़ी अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं और इस थीम के बारे में हमने विस्तार से उनसे चर्चा की और ये भी कहा गया कि आज जहाँ तक हमें नई टेक्निक को नई प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा, आज अगर हम स्कूल स्तर पर देखते हैं, गांव स्तर पर देखते हैं और शहर स्तर पर देखते हैं, सबसे बड़ी जो आज समस्या है वो कूड़ा करकट के निष्पादन की है। कूड़ा करकट को तो इकट्ठा किया जा रहा है और कई जगह तो ऐसी नौबत आ चुकी है कि हमारे जो कूड़ादान हैं भरे रहते हैं, उनमें सड़न आ जाती है, बहुत सी बीमारियों को वो न्योता देते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके निष्पादन की जो विधियां हैं वो नई टेक्निक से नहीं है। अगर हैं भी तो वो जिला स्तर के ऊपर है जिसको हमारी म्यूनिसिपल कमेटी जो हैं वो करती हैं। आज ज़रूरत है एक ऐसी टेक्निक की कि जो कूड़े का निष्पादन सही ढंग से हो और साथ में उसका उपयोग भी किया जा सके।